सब्सक्राइब कीजिए हमारे बिघाट इंडिया चैनल को और घंटी के आइकन को दबाकर सबसे पहले कृषि संबंधी वीडियो को देखें। नमस्ते किसान भाइयों, मैं मीनल पाटनी, फार्मर एडवाइजरी सेक्शन बिघाट। आज हम फॉल आर्मी वर्म के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में सैनिक कीट के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में यह कीट मक्का में अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहा है। आज हम कीट की पहचान, क्षति व नियंत्रण उपाय के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम कीट की पहचान और जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। इसके जीवन चक्र में चार अवस्थाएँ होती है, अंडा, लार्वा जिसे लट के नाम से जाना जाता है, प्यूपा जिसे कोश भी कहते हैं, एडल्ट जिसे मौत और पतंगे के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम अंडे की बात करें तो पतंगा एक बार में 50 से 200 अंडे खरपतवार व घास की ऊपरी सतह पर समूह के रूप में देता है, जो हल्के हरे व सफ़ेद रंग के होते हैं। लार्वा यह फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था है, जिसे साधारण भाषा में लट के नाम से जानते हैं। इसका रंग शुरुआत में हरा व बाद में भूरा होता है। इसके अग्र भाग पर उल्टा वाय समान संरचना बनी होती है और पश्च भाग पर चार धब्बे बने होते हैं। यह दिन के समय मृदा में पाए जाते हैं और रात्रि के समय मृदा की ऊपरी सतह पर आकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सबसे पहले पत्ती को बीच बीच में से खाकर छिद्र कर देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे तने का रस चूसकर उसे खाकर खोखला कर देते हैं। इसी तरह पूर्ण पौधे एवं फसल को बहुत शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। अगली अवस्था कोश होती है, जो मृदा में 2 से 8 सेंटीमीटर गहराई में सुषुप्तावस्था में पाई जाती है। इसकी यह अवस्था नुकसान नहीं पहुंचाती है। अंतिम अवस्था पतंगा होती है, यह अत्यधिक गतिशील होती है, जो एक रात्रि में 100 किलोमीटर तक भ्रमण कर सकता है। यह अवस्था भी फसल के लिए नुकसानदायक नहीं होती है। अब हम सैनिक कीट के नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। हम इसका नियंत्रण जैविक और रासायनिक दोनों पद्धति द्वारा कर सकते हैं। अगर प्रकोप पहली या दूसरी अवस्था में हो तो जैविक नियंत्रण कारगर रहता है। रासायनिक नियंत्रण में हम इमाबेक्टिन बेंजोइट और कोराजन फेम जैसी दवा का स्प्रे भी कर सकते हैं। सैनिक कीट का जैविक नियंत्रण बैसिलस थुरिजेंसिस के द्वारा डेल्फिन 1 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। जहर पाश जिसे हम बेट मिक्सर के नाम से जानते हैं, यह जहर पाश का मिश्रण होता है। इसमें जहर, धान का भूसा, गुड़ 1:10:1 के मात्रा में मिलाकर शाम के समय पौधे के नज़दीक डालने से गुड़ की मिठास की गंध से कीट आकर्षित होते हैं और खाकर मर जाते हैं। जहर पाश बनाने के लिए जहर जैविक और अजैविक दोनों उपयोग में ला सकते हैं। जैविक में हम बेसिलस थुरिजेंसिस और रासायनिक में हम कोई भी स्टमक पॉइजन जैसे मेलाथियान, लार्विन जैसे रासायन का उपयोग कर सकते हैं। पाराफेरामोन ट्रैप यह कीट चाल होता है। इसमें मादा कीट का ल्यूर लगा होता है, जो नर कीट को आकर्षित करता है। इसके द्वारा नर कीट को मारा जा सकता है। यह 1 हेक्टेयर में 10 जाल समान दूरी पर लगाना चाहिए। इससे यह लाभ मिलता है कि अब शेष बची हुई मादा कीट बिना निषेचन के अनिषेचित अंडे देगी, जिससे अंडे लट में नहीं बदल पाएंगे। तो इस प्रकार से हम सैनिक कीट का उचित समन्वित कीट नियंत्रण कर सकते हैं। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिघाट इंडिया चैनल को।